नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और एक बार फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। हिंदी व्याकरण की पिछली वीडियो में हमने आ प्रत्यय के नियम और सूत्रों को पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और प्रत्यय हिंदी के जो दो प्रत्यय हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आगे की कक्षा के लिए अब हम आ गए हैं बोर्ड की तरफ, लेकिन कक्षा शुरू करने से पहले, क्योंकि आज 14 सितंबर है यानी कि आज है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो सभी विद्यार्थियों और दोस्तों के लिए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब मिलकर और हमारा द ज्ञान कुंभ चैनल भी ये सपोर्ट करेगा कि हिंदी जो हमारी देश की भाषा है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम चूंकि हिंदी के दो प्रकार के जो प्रत्यय हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं, यानी कि कृत प्रत्यय और तद प्रत्यय। लेकिन अब जो कमेंट है आप लोगों के पहले उससे उसके ऊपर हम एक चर्चा कर लेते हैं। तो एक कमेंट है कि सैंधव जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, क्या आ ही प्रत्यय, और अगर आ प्रत्यय हुआ क्योंकि पीछे वा है तो फिर इसका मूल शब्द कौन सा है। तो देखते हैं उस शब्द को। जैसे कि शब्द आया था सैंधव, तो अब चूंकि अभी तक हमने आ प्रत्यय में जो सूत्र पढ़े हैं वो ये थे कि बड़ा आ होने के कारण छोटा आ बड़ा में बदलने और उ वा में बदल जाएगा, वैसे औ औ की मात्रा में फिर जो उ है वो वा में बदल जाएगा। यानी कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हमने जैसे कौरव पढ़े, मानव पढ़ा, ये सारे बड़े आ के हैं, आ की मात्रा वाले शब्द थे। तो इनमें हमने पहचाना था और इनका मूल शब्द भी जाना था कि आ प्रत्यय है। तो इसमें जो कि इसके ऊपर जो आई की मात्रा है इसीलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो यहाँ उसका भी सूत्र रहेगा कि आप लोगों ने पहले इसका मूल शब्द देखें। तो सैंधव का मूल शब्द है, ये आया कहाँ से है, ये आया है सिंधु। जी हाँ, वैसे सैंधव के यहाँ दो अर्थ निकालने वाले हैं। पहला होता है इसका अर्थ घोड़ा, क्योंकि पर्यायवाची में अपन पढ़ भी चुके घोड़ा, और दूसरा है नमक। जी हाँ, अब चूंकि हाँ आपको घोड़ा इसका पर्यायवाची शब्द कैसे पढ़ा वो उसका भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो पहले आप सैंधव का जो मूल शब्द है वो है सिंधु। अब चूंकि सिंधु में धामे छोटी की मात्रा आ गई तो आप समझ ही गए होंगे कि अब आ ऊ बदल गया किसमें, वा में, और ये जो आई की मात्रा है ये कैसे बदली, ये है छोटी के कारण। यानी कि इसका जो सूत्र हुआ वो ये हुआ कि छोटी आई में बदल जाएगी। अब छोटा ऊ वा में तो बदलना ही है, पहले ये सूत्र तो आप पढ़ चुके हैं, तो छोटी किसमें बदल जाएगी, आई में। तो यानी जो सैंधव है वो सिंधु से आया और सिंधु में छोटी की मात्रा लगी है और वो बदल गई आई में इस कारण से, और छोटा हुआ बदल गए वहां में, सैंधव सिंधु। अब हमने भूगोल में आपने पढ़ा होगा कि भारत के अगर नक्शा देखें तो कुछ इस तरह का है, ठीक है, थोड़े आपकी जानकारी के लिए। तो और देखा होगा इधर पर जो एक नदी बह रही है वो है सिंधु नदी, और यहाँ सिंधु नदी जो बह रही है भारत में, आधे कुछ भाग भारत में बहता है, कुछ भाग पाकिस्तान अफगानिस्तान में चला जाता। तो इधर तो पाकिस्तान है, उधर है अफगानिस्तान यानी काबुल। तो अफगानिस्तान की चट्टानों से जो नमक आया, अगर हम इस नमक का नाम क्यों पढ़ा इसका सैंधव, तो वो इसी कारण से। तो वहां की चट्टानों से जो नमक आया जो लेके आए अपने भारत में वहां के नागरिक, इस कारण से वो नमक को, अब चूंकि हम जो लोग इधर रह रहे थे आ रही है यानी सिंधु नदी के किनारे, तो उन्हें तो यही पता है कि सिंधु जो नदी है उसे पार करके आए हैं, तो उस नमक को वो कहने लगे थे सैंधव। अब सिंधु के पार करके से अब घोड़ा का नाम कैसे पड़ा, अब स्वाभाविक है, ये तो आप भी जानते हैं काबुल के अफगान के घोड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, तो घोड़े से आए हैं तो अपन कहेंगे वो भी सिंधु नदी को पार करके आए हैं जो घोड़े आए हैं, तो इसलिए घोड़ा का दूसरा नाम पर्यायवाची पड़ गया सैंधव। तो उम्मीद है आपको सैंधव को अर्थ समझ में आया होगा और इस एक शब्द के दो अर्थ कैसे मिले वो भी आप यहाँ सीख गए होंगे। तो चलिए ये तो होगा जो कमेंट में आपने लिखा था वो सैंधव की बात। अब हम पढ़ेंगे आगे। आपको एक
बात, और यदि आपको और भी शब्द मिले शैव आई वाले जैन, तो ये इसमें अभी कौन सा प्रत्यय आपको देखने का मिलेगा, वो हैगा अप्रत्यय। और अप्रत्यय का अगर सूत्र पूछे तो वो ये सूत्र है, और यदि इनका मूल शब्द पूछे तो शैव बना है शिव से, और जैन जो शब्द बना है वो है जिन से। और जिन का अर्थ यदि हम हिंदी में बात करें या संस्कृत में, उसका अर्थ निकलता है इंद्रियां, यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। तो इसलिए आपने जिनाला देखे होंगे, जिन प्लस आला, यानी कि जहां इंद्रियों को जीतने के हम प्रवचन सुनते हैं उस आलाय में, उस घर में जहां इंसान सही काम पर रास्ते पर आगे चले, जिनालय, इसीलिए पढ़ाएगा। तो इसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। ये भी आप इंद्रियों को जीतने वाला ये नोट कर लें आप अपनी कॉपी में, अगर पूछा गया कभी भी तो आप बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो आपने कमेंट किया था वो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की कक्षा की तरफ। तो हिंदी के जो अपने प्रत्यय हैं वे दो प्रकार के होते हैं, ये पिछली वीडियो में अभी हम बता चुके हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद प्रत्यय। तो पहला जो हम प्रत्यय हैं उसे पढ़ेंगे। तो आप प्रश्न लिखिए, तद प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब उत्तर लिखें, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द या धातु के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को ही कृदंत कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, यानी कि एक उदाहरण लेते हैं, लिख लिख, यानी लिखना का जो पूरा शब्द एक क्रिया है लिखना, उस क्रिया का मूल शब्द क्या है, लिख। यदि हम इसमें अक प्रत्यय लगा दें तो नया जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, लेखक। यानी कि ये तो हुआ आपका मूल शब्द जो कि क्रिया से निकला हुआ है, और ये अक है, ये है प्रत्यय, और इन दोनों के योग से जो नया शब्द बना है लेखक, ये क्या है, कृदंत कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे परिभाषा को हमने समझा वैसे ही आपने सर देखा होगा, लिखना एक क्रिया है तो क्रिया का मूल शब्द क्या होगा, या लिख, और उसमें एक प्रत्यय लगा अंत में आखिरी में अक, तो नया जो शब्द बना वो है लेखक, और उस शब्द को क्या कहेंगे हम, कृदंत शब्द कहते हैं। तो कृत प्रत्यय हैं उनके पांच उपभेद होते हैं। तो वे पांच उपभेद कौन से हैं आप लिख लीजिए, पहला कृतवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक, और पांचवा है क्रियावाचक। तो एक कृत प्रत्यय के पांच उपभेद हैं। अब हम इन पांचों उपभेद की परिभाषा को उदाहरण के साथ समझेंगे। तो पहला जो उपभेद है वो है कृतवाचक कृत प्रत्यय। अब कृतवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखें, वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द यानी कार्य को करने वाला शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण पे हम देखें, एक शब्द है गवैया, एक शब्द है गवैया। अब इसमें क्या वो मूल धातु है या मूल शब्द है और क्या प्रत्यय है वो हम जानेंगे। तो गवैया, अब चूंकि एक कार्य को करने वाला यानी कर्ता हो गया, गाने वाले को क्या बोले गवैया, तो ये हुआ कर्ता। अब इसमें जो मूल धातु है वो है गा यानी गाना, इसमें वैया प्रत्यय लगा दिया। जब गा धातु में वैया प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, गवैया, तो एक कृदंत शब्द बना। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया। अब हम एक चार्ट के माध्यम से कृतवाचक कृत प्रत्यय को समझेंगे। तो कृतवाचक कृत प्रत्यय कौन से हैं, एक टेबल या चार्ट के माध्यम से आपको बताया जा रहा, आप उसे कॉपी में इसी तरह से नोट कर लें। देखिए, पहले मूल शब्द, फिर प्रत्यय, फिर जो नया शब्द बना जिसे हम कृदंत शब्द कहेंगे वो इधर
लिखा है। तो देखिए लिख में अक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लेखक। गा में अक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गायक। उसी तरह है, दूसरा जो प्रत्यय है वो है हार, यानी पालन शब्द में हार लगा दिया तो बनेगा पालनहार, जो कि एक कर्ता का बोध करा रहा है, इसलिए इसे कर्तृवाचक बोलते हैं। दूसरा है दूध, एक शब्द है, वाला लगाया तो बना दूध वाला। इसी तरह मिठाई में वाला लगाएंगे तो बनेगा मिठाई वाला। उसी तरह खिलौने में लगाएंगे, खिलौने वाला बन जाएगा। रक्ष धातु है, का प्रत्यय होता है, उसे लगा दिया तो रक्षक, जो कि एक कर्ता का ज्ञान करा रहा, रक्षक बना। भक्ष में लगा देंगे का भक्षक बन जाएगा। इसी तरह से दा, यानी दा का अर्थ होता है देना, ता प्रत्यय लगा दिया तो हो जाएगा दाता, जो देता है। इसी तरह माँ में ता लगा देंगे तो माता। गा, क्योंकि गा एक मूल शब्द या धातु है, उसमें ता लगा देंगे तो गाता हो जाएगा। चल में लगा देंगे चलता हो जाएगा। तो हम और भी उदाहरण आप ये समझ सकते हैं उदाहरणों से लेकर। अब आप बात करें कि सर हम ये तो पहचान लेंगे पीछे जो है अक, हार, वाला, का, ता, लेकिन आप बस इतना समझना कि जब शब्द सामने आए तो यदि वो कर्ता यानी कार्य को कराने वाला शब्द हो, कर्तावाचक, तो समझ लेना कि वो कृतवाचक प्रत्यय होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी के जो हमारे उपभेद हैं वो अगली कक्षा में पढ़ाए जाएंगे। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।